स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कुछ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कुछ स्पेसिफिक बैंक्स के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ एनजीओस या फिर कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कनेक्टेड टू इकोनॉमी, विच आर कनेक्टेड टू मनी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। सो टुडेज डिस्कशन इज गोइंग टू बी अबाउट द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको पता है इस पूरी सीरीज को हम लोग फोकस कर रहे हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, जहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताता रहता हूँ, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, कहाँ पे पिटफॉल्स बनते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे विच आर मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल। कई बार देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे प्रीलिम्स बेस सवाल आते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अगर चर्चा का विषय है तो उन पे मेंस के सवाल बनते हैं, लेकिन कुछ कोर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि WTO, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WTO। अब WTO की डिस्कशन जो यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि WTO मेंस के दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली WTO के जो अग्रीमेंट्स हैं, जहाँ पे अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी कोई डिस्कशन होती है, तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है, दूसरे जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी नेगोशिएशन होती है। कई बार आपने सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रैग्स इंडिया टू WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड, तो ये क्या है ये हम लोग जानेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन एक कॉशनरी नोट है चर्चा शुरू करने से पहले, जब भी इसके ऊपर कोई खबर आएगी, जब भी कोई अपडेट आएगी, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है, मेंस के दृष्टिकोण से उसके प्रति आपको कुछ कंटेंट रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में भी ये बहुत ज़रूरी टॉपिक बन जाता है, ठीक है। अब WTO है क्या? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड मतलब दो पार्टी से। अब यहाँ पे कंट्री बेस्ड ट्रेड, नॉट इंडिविजुअल, इंडिविजुअली जो हमारा बिजनेस चलता है, जहाँ पे समझ लीजिए एंटिटी ए है, एंटिटी बी है, एंटिटी ए को कुछ खरीदना है, बी को कुछ बेचना है, तो कुछ एक्सचेंज होनी, यानी कि पैसे एक्सचेंज होने। पहले तो बार्टर एक्सचेंज चलता था, बार्टर मतलब मैं आपको चावल दूंगा, आप मुझे गेहूँ दो, क्योंकि आपके यहाँ पे गेहूँ उगता है, तो बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था। जैसे जैसे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मनी आ गया इंटरनेशनल इकोनॉमी में, जैसे ही गोल्ड स्टैंडर्ड आ गए, फिर डॉलर आ गया, तो उसके बाद वी ट्रेड इन मनी, वी ट्रेड बेसिकली थ्रू डॉलर, राइट। डॉलर इज अ हार्ड करेंसी, इसके अलावा दूसरी भी हार्ड करेंसीज है, जैसे कि पाउंड हो गया, येन हो गया, आपका चाइनीज युआन हैज ऑल्सो बीन एडेड, तो ट्रेड करने के लिए। अब जब ट्रेड होता है तो ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अब ए कहेगा कि भैया मेरे पास ही सोना मिलता है, फिर मेरे पास ही कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी मिलती है, और मैं आपको इसको बेचूंगा एक्स अमाउंट पे, जो बहुत बड़ी रकम है। और ये कहेगा कि मैं केवल बी को ही बेचूंगा और सी को नहीं बेचूंगा, क्योंकि देखिए फूड सिक्योरिटी यानी कि खाना बहुत ज़रूरी है, फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, तो सभी को मिलना चाहिए, यानी एक ही जिम्मेवारी होती है कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो सभी को इक्वली ट्रीट करें और सभी के साथ ट्रेड करें। और WTO इसी चीज़ पे काम करता है, यानी कि देश अपने बीच जो ट्रेडिंग होती है, दोनों के बीच में जो ट्रेडिंग होगी, उस ट्रेडिंग को फ्रीली कैसे करें, ट्रेड को बढ़ावा कैसे मिले, क्योंकि ऑफकोर्स अगर ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी भी कंटिन्यूसली ग्रो होती रहेगी। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो जॉब्स क्रिएट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और आपके देश में गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होंगी। तो WTO बेसिकली ऑपरेट करता है ग्लोबल लेवल पे ट्रेडिंग के रूल्स सेटअप करने के लिए। दो देशों के बीच या फिर दो गुटों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, नेगोशिएशन करनी है, तो वहाँ पे WTO एक अच्छा फोरम होता है, जहाँ पे आप जाकर ट्रेड रिलेटेड चीज़ों को नेगोशिएट करो एक दूसरे के साथ। आई होप कि इस बॉडी का जो उद्देश्य आपको क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट इसके रोल के बारे में हम लोग और भी थोड़ा सा डाइसेक्शन करेंगे, लेकिन WTO का इतिहास रहा है। WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 से, इट स्टार्टेड वर्किंग। लेकिन WTO की जो प्रीकर्सर बॉडी थी, पहली वाली बॉडी थी, वो थी GATT, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। आप जानते हैं कि विश्व युद्ध दो के बाद बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वॉज वेस्टेड, मेनी कंट्रीज वर रैवेज्ड, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, दे वर रैवेज्ड कंप्लीटली।
अब इसके बाद 1941 में ही, इनफैक्ट जब अटलांटिक चार्टर आया था तभी देशों ने मिलकर गैट की नींव रखी थी। मैं कहूँगा गैट के प्रति एक अग्रीमेंट आना चाहिए, एक कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए देशों के बीच, ताकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ट्रेड बढ़े, क्योंकि ट्रेड की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो इसीलिए इवेंचुअली 1947 में एक ट्रेड बॉडी बनी, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, यानी कि जो भी देश गैट का भाग बनेंगे वो लोग अपने टैरिफ्स, अब समझ लीजिए मुझे यूएस से एक कमोडिटी मंगवानी, यूएस से समझ लीजिए एक कार मंगवानी है, तो जब वो कार आएगी तो मेरे देश के यानी भारत के बॉर्डर पे आएगी, बॉर्डर पे आपके कस्टम्स यूनियन बने हुए, कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, तो कस्टम ड्यूटी लगेगी उस पर, इम्पोर्ट ड्यूटी लगी उस पर, अलग अलग ड्यूटीज लगी, इन ड्यूटीज़ का स्टैंडर्ड रेट क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये बना। क्योंकि देखिए ट्रेड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं केवल इम्पोर्ट ही कर रहा हूँ, समझ लीजिए यूएस में कार चीप बनती है, तो यूएस मुझे कम कंटिन्यूसली कार भेजे जा रहा है, तो भारत में कार की इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? तो इंडस्ट्री डेवलप होनी है तो मैं उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा ताकि उसके रेट बढ़े और इंडिया में वो कॉम्पिटेटिव बने, हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिव बने। इसलिए हम लोग पहले टैरिफ्स लगाया करते थे, टैरिफ्स थे, कोटास थे। इनफैक्ट 1991 से पहले इंडिया को लाइसेंस राज कहा जाता था, यानी कि सरकार के साथ ही सारे कंट्रोल्स थे। तो इस ट्रेड और टैरिफ के लिए एक अग्रीमेंट आया और इस अग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया इन 1944 इटसेल्फ। इसके ऊपर हम लोगों ने सवाल डिस्कस किया था, IMF, IBRD और GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इनकी जो फाइनलाइजेशन हुई थी वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी, ब्रेटन वुड इज इन USA। और शुरुआती दौर में 1947 में जो बॉडी है इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई 1948 से, 1994 के अंत तक GATT ही था जो जनरली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड टैरिफ, इसी के अंडर नेगोशिएशन हुआ करती थी और अलग अलग राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी हुए। तो 1948 से लेकर 1994 तक की बात करें तो GATT बेसिकली प्रोवाइडेड रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड। यहाँ पे जो भी मेंबर कंट्रीज थे साथ में आते थे, नेगोशिएशन करेंगे, अलग अलग राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुई, यानी कि जब भी नेगोशिएशन होती है तो यहाँ पे अलग अलग राउंड में नेगोशिएशन होती है, क्योंकि नेगोशिएशन चलती रहेगी। अगर एक साल में मीटिंग में बैठे, देखिए GATT की मीटिंग हार्डली 3-4 दिनों के लिए होगी, अभी WTO की मीटिंग हार्डली 1 हफ्ते के लिए होती है, 3-4 दिनों के लिए सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, कहाँ फाइनल डील होगी, राइट? तो इसलिए राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन चलेंगे और GATT के भी अलग अलग राउंड ऑफ नेगोशिएशन चले, जैसे कि हवाना राउंड नेगोशिएशन चला, मैराकेश राउंड ऑफ नेगोशिएशन चला और इवेंचुअली यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी चला। और यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1994 तक ये चला और यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन के तहत ही WTO इवेंचुअली बना 1995 में, राइट? तो GATT पहली बॉडी थी, GATT के बाद हमारा आया WTO, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। सो द हिस्ट्री ऑफ WTO स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब अगर हम लोग बात करें GATT और WTO के बीच क्या अंतर है, मैं एक स्टेटमेंट बना दूंगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल ट्रेड। पहला स्टेटमेंट मैंने दिया, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ओनली डेल्ट विथ गुड्स। एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि GATT में केवल गुड्स के साथ वो काम किया करते थे, ऑल दो इन द फैग एंड ऑफ 1980 सर्विसेज के ऊपर डिस्कशन जरूर हो रही थी, बट मोस्टली गुड्स से जुड़े हुए टैरिफ्स, गुड्स से जुड़ा हुआ ट्रेड, गुड्स से जुड़े हुए जो आपकी कोटाज रहेंगे उनके प्रति डिस्कशन हुआ करते थे। लेकिन WTO में 1995 के दौरान अगर हम लोग बात करें, चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी। 1991 में हम लोगों ने भी LPG रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाए। इन रिफॉर्म्स के बाद आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर में सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, बैंकिंग सेक्टर ग्रो होने लगा, आपका इक्विटी सेक्टर ग्रो होने लगा, आपके अलग अलग प्राइवेट कंपनीज आने लगे। तो यहाँ पे गुड्स ही नहीं, सर्विसेज के साथ भी डील होना शुरू हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक इन्वेंशन। अगर कोई इन्वेंशन करेगा तो उन्हें एक पेटेंट मिलना चाहिए, उन्हें ट्रेडमार्क मिलना चाहिए, इंडस्ट्रियल डिजाइन मिलना चाहिए, इसके प्रति भी नेगोशिएशन शुरू हो गई एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है GATT में केवल गुड्स के ऊपर नेगोशिएशन हुआ करती थी, लेकिन WTO में गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर भी। WTO के अभी फिलहाल 164 मेंबर्स है और 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज है और WTO का हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन भी WTO का एक मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के जो अलग अलग कंट्रीज है उनके पास भी एक पर्टिकुलर वोट है, यानी कि वो भी एक मेंबर है। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? अब इसके अलावा WTO कैसे चलता है,
WTO का स्ट्रक्चर क्या है। WTO की जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसे कहते हैं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। हर दो साल में एक बार कम से कम मिलना होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, यानी कि अपनी देश से हमारे जनरली देश की जो कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव एट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाएगी, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाएगी, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ही नेगोशिएशन होगी, या फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो WTO को एक डायरेक्शन देता है, उनका गाइड फिलोसोफर बनता है टुवर्ड्स डिफरेंट अग्रीमेंट्स। अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में नॉर्मली अम्बेसडर्स और आपके जो भी हेड्स ऑफ डेलीगेशंस होते हैं वो जेनेवा या फिर जहाँ पे भी डिसाइडेड है वहाँ पे मिलेंगे। जनरल काउंसिल डे टू डे वर्किंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल काउंसिल के अलावा यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके अलावा कई सारी स्पेशलाइज कमिटीज चलती है। चलिए मैं आपको इनफैक्ट इनका स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया WTO में सबसे इंपॉर्टेंट हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के साथ आपको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे आपको जनरल काउंसिल मिलेगा। इस जनरल काउंसिल के अंडर आपको अलग अलग काउंसिल अलग अलग कमिटीज मिलेंगी, जैसे कमिटीज ऑन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट, कमिटीज ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कमिटी ऑन रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, कमिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अलग अलग कमिटीज बनी हुई है। इसके अलावा जनरल काउंसिल के नीचे भी अलग काउंसिल्स है, जैसे कि काउंसिल फॉर गुड्स, काउंसिल फॉर पेटेंट्स, काउंसिल फॉर सर्विसेज, काउंसिल फॉर नेगोशिएशन, कमिटी फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। जनरल काउंसिल के अलावा यहाँ पे जनरल मीटिंग या फिर जनरल काउंसिल इटसेल्फ एक्ट्स एज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड, यानी कि वर्ल्ड की ट्रेड पॉलिसी किस तरह से होनी चाहिए इसमें एक्ट करते हैं। जनरल काउंसिल ही जब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड करके मिलता है, इट इज कॉल्ड एज दिस रिव्यू बॉडी, यानी कि जनरल काउंसिल ही ये भी एक्ट कर, जनरल काउंसिल मीटिंग एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑल्सो होता है, यानी कि जनरल काउंसिल एक्ट्स एज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी ऑल्सो, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑल्सो। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के नीचे आपके अलग अलग अपेलेट पैनल्स भी बने हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको याद होगा कुछ सालों पहले इंडिया का जो नेशनल सोलर मिशन था उसके अंदर कुछ बदलाव आया था। नेशनल सोलर मिशन में भारत सरकार ने एक रूल बनाया कि जो डोमेस्टिक कंपनीज रहेंगी उन्हीं डोमेस्टिक कंपनीज से आपको खरीदना पड़ेगा सोलर इक्विपमेंट 30% के आसपास। अब इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ड्रैग किया इंडिया को डिस्प्यूट सेटलमेंट में कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि WTO के तहत कुछ अग्रीमेंट्स बने हुए हैं, कुछ पॉलिसीज चलते हैं जिसको वॉयलेट कर रहा है इंडिया करके बताया, और WTO ने रूल भी किया USA की साइड में, इसको अपील किया इंडिया ने। सो कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि अगर कंट्री एक्स इज ट्रेड वॉयलेटिंग WTO रूल्स, कंट्री वाई कैन ड्रैग इट टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, राइट। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है आपको। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब भी होती है, जब भी चर्चा में है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। फोकस ऑन द न्यूज़ कनेक्टेड टू मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इंडिया की तरफ से क्या डिमांड्स है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेड करते हैं इन नेगोशिएशंस। इंडिया प्रोवाइड्स लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। अब क्योंकि WTO में हम जानते हैं कि दी नेगोशिएशन इज डिवाइडेड, WTO की कॉन्फ्रेंस जब भी होती है विश्व डिवाइडेड है दो भागों में। एक तरफ आपको मिलेंगे नॉर्थ कंट्रीज यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज। अब इनका एजेंडा ही अलग रहेगा, इनका एजेंडा रहेगा कि भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले। और दूसरी तरफ है साउथ कंट्रीज। अब साउथ कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है, देखिए नॉर्थ कंट्री की इंडस्ट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, साउथ कंट्री की इंडस्ट्री अभी डेवलप नहीं हुई है। तो ये जो इंडस्ट्री डेवलप्ड है ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनके मार्केट में हम चीज़ें भेजें, अगर इनके मार्केट में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा भेजते रहेंगे तो इनकी इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी, इनकी इंडस्ट्री कैसे कॉम्पिटेटिव बनेगी। तो इसी तरह की नेगोशिएशन चलते रहती है, राइट। तो जब भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी तो आप उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। हम लोग अभी बात करते हैं रोल ऑफ WTO के बारे में। WTO का रोल क्या है, मैंने आपको बताया ट्रेड बढ़ाना है, ऑफ कोर्स। तो ट्रेड बढ़ाना है मतलब लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करना है, लोगों की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, पॉवर्टी को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, ट्रेड रूल्स को नेगोशिएट करवाना है। WTO के जो भी अग्रीमेंट्स रहेंगे हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि WTO के कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं, स्पेशली अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी ओवरसी करता है। इसके अलावा ओपन ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन इंटेंशन है कि ट्रेड फ्री हो और डिस्प्यूट को सेटल करना, इन पांच डोमेन में काम करता है। इनफैक्ट WTO के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर भी MCQ बन सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रेडिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक्स कंट्री है और एक दूसरी वाई कंट्री है, एक जेड कंट्री,
हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अब एक्स कंट्री कहेगा कि मेरे पास मैं राइस उगाता हूँ और मैं वाई कंट्री को राइस बेचूंगा 100 रुपीज़ के जी, लेकिन जेड कंट्री के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है तो मैं इस कंट्री को 150 रुपये के जी राइस बेचूंगा। ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड, यानी कि एक कंट्री को आप फेवर कर रहे हो, दूसरी कंट्री को आप फेवर नहीं कर रहे हो। WTO में ये अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आप WTO के भाग हैं तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन करना है। तो इसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं, पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब हर एक WTO का मेंबर दूसरे मेंबर को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा, मतलब मैं सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करूंगा। अब इसका मतलब है X अगर चावल बेच रहा है Y को 100 रुपये में, तो Z को भी 100 रुपये में बेचेगा, क्योंकि इसके पास भी MFN स्टेटस है, इसके पास भी MFN स्टेटस है। इसलिए आप दोनों को एक ही तरह ट्रीट करोगे। अगर समझ लीजिए वाई से कोई चीज़ आ रही है जिसके ऊपर आपने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है 10 रुपये की, तो जेड से जो चीज़ आएगी उसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है 10 रुपये, सेम चीज़। ठीक, दिस इज दी एक्सप्लेनेशन बेसिकली फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन। एक दूसरा प्रिंसिपल है नेशनल ट्रीटमेंट का। अब नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक्स वाई जेड का, कि एक्स कंट्री है, वाई कंट्री है और जेड कंट्री है। अब एक्स कंट्री की खुद की एक प्रोडक्ट है, समझ लीजिए एक कार है। अब इस कार का प्राइस है 1 लाख रुपए। अब वाई कंट्री भी कार प्रोड्यूस कर रहा है, वाई कंट्री कार इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ से भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वाई टू एक्स इज इंपोर्टिंग। तो अगर ये जब भेजेगा, समझ लीजिए इसकी कार की कीमत है केवल 50,000 रुपये, तो यहाँ पे अगर आप ड्यूटीज लगा दोगे, टैरिफ्स लगा दोगे, सभी लगा दोगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जब कार की कीमत मार्केट में बिकेगी तो समझ लीजिए मैंने इसको 2 लाख रुपये रख दिया। दिस इज नॉट अलाउड। आप एक रेंज में रख सकते हो। WTO को कहता है कि नेशनल ट्रीटमेंट करना चाहिए, यानी कि जिस तरह से आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल वेंडर्स को, लोकल प्रोड्यूसर्स को ट्रीट करते हो, वैसे ही आप फॉरेन जो कंपनीज रहेंगी, फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे, उनको भी वैसे ही ट्रीट करोगे। राइट, दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे दो चीजें हैं, एक है मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक है नेशनल ट्रीटमेंट। तो कई बार सिंपल से सवाल आ चुके हैं, स्टेट PSC में भी आ चुके हैं, कि मोस्ट फेवर्ड नेशन कई बार चर्चा का विषय रहता है खबरों में, ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली, यानी कि फॉरेन कंपनीज, फॉरेन प्रोडक्ट्स, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली विद डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बेसिक। राइट, ये है इसका मतलब। अब इसके अलावा दूसरा इनका क्लॉज है फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड मतलब नेगोशिएशन करके आप फ्री ट्रेड करोगे, जो भी आपकी टैरिफ है, जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इसको कम करोगे, सभी देशों के लिए समान रखोगे। अगर आपने कोटा बना रखा है कि भैया मैं 10 ही कार इंपोर्ट करूंगा, कोटास को भी हटाना है, कोटास को भी धीरे धीरे कम करना है, अगर आपने इंपोर्ट बैन लगा रखा है, इंपोर्ट बैन भी हटाना है, तो फ्री ट्रेड करना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर लेकिन हम तो अपने नेबर कंट्रीज़ को बहुत कम टैक्स लगाते हैं, कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़्यादा लगाते हैं। तो WTO में उनकी जो नेगोशिएशन होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे अगर आप किसी रीजनल ब्लॉक के पार्ट है तो रीजनल ब्लॉक में आप अपनी अलग ट्रेडिंग कर सकते हो। इसीलिए मेंस के दृष्टिकोण से कई बार इस तरह के भी सवाल आते हैं कि जो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स है या फिर रीजनल ब्लॉक्स है, दे आर हैम्परिंग द वर्क ऑफ WTO टू सर्टन एक्सटेंट इंडीड। लेकिन WTO को भी कुछ प्रॉब्लम से हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, तीसरा इसका क्लॉज है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लाओगे वो प्रेडिक्टेबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप आज एक रूल ला लो कल बदल दोगे, नहीं, ये नहीं करना है। बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। फेयर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना है। अगेन, नेशनल ट्रीटमेंट इज द आइडिया ऑफ फेयर ट्रीटमेंट, फेयर कॉम्पिटिशन। इसके अलावा पांचवा है, अगर ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, पॉवर्टी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ऑफकोर्स ये इसके 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है। राइट, अब मैंने आपको बताया WTO की जो हाईएस्ट बॉडी है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इट हैज़ टू एंश्योर दीज 5 प्रिंसिपल्स आर फॉलोड, और इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली आपकी अग्रीमेंट्स लेके आता है अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों की अग्रीमेंट फाइनलाइज होती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। Article 4 WTO का है, उसमें क्लियरली लिखा गया कि मिनिमम एटलीस्ट 2 सालों में आपको एक बार तो मिलना है। ऐसा नहीं कि इतना ही है, ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 2 सालों में एक बार तो मिलना ही मिलना है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। अब मिनिस्ट्रियल मतलब इंडिया से मिनिस्टर ऑफ जो कॉमर्स रहेंगे, कॉमर्स इंडस्ट्री रहेंगे, ही विल बी द रिप्रेजेंटेटिव एट दिस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की पास अथॉरिटी है कि आप
अलग अलग मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स को फाइनलाइज करे और उसको इवेंचुअली रेटिफाई करे। यानी कि देखिए, इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हमारे देश की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वहाँ पे कहेंगे कि हम अग्री करते हैं टू द अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसको इवेंचुअली हमारी पार्लियामेंट जब रेटिफाई करेगी उस अग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन हो जाएगा, राइट। तो मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो भी होंगे सभी देशों के साथ वो फाइनलाइज करते हैं। और WTO का जो डिसीजन होता है इट इज टेकन बाय कंसेंसस। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट WTO, जिसमें एक स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है कि डिसीजंस एट WTO हैव टू बी यूनैनिमस और एवरी मेंबर ऑफ WTO हैज अ वीटो वोट। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजंस कंसेंसस के साथ होने हैं, अगर एक मेंबर भी मना करेगा तो वो अग्रीमेंट फाइनल नहीं होगा। अब इसीलिए WTO में नेगोशिएशन कई साल चलते रहती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट कंट्रीज आपको मिलेंगे। जिस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, अगर दो देशों के रिलेशन अच्छे नहीं है तो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट ट्रेंड जरूर होता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ का हमेशा डिस्कशन चलता हुआ रहता है। तो इसीलिए WTO की नेगोशिएशन काफ़ी स्लो चलती रहती है, राइट। दैट इज वाई रीजनल ब्लॉक्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर प्रीवेलिंग मोर एंड मोर। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि WTO में वो फाइनलाइजेशन, अग्रीमेंट की फाइनलाइजेशन नहीं हो रही, राइट। इसके अलावा अभी तक कितनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है ये है उसका डेटा। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1 MC1 सिंगापुर में हुआ था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2 जिनेवा में हुआ था, 1996 में पहला, 95 में बना, 96 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, 98 में दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई, सन 2000 द ईयर Y2K, 2000 में फाइनलाइज नहीं हुआ था। सिएटल USA में तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद दोहा कतार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको एक स्टार बना के रख रहा हूँ, दोहा कतार कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों। इसके अलावा कैनकन मेक्सिको में 2003 में हुआ, हांगकांग में 6th हुआ, जेनीवा में 7 और 8 दोनों हुए, बाली में आपका 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, बाली में बाली पैकेज दिया गया, अगेन अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो था उसके प्रति एक पैकेज दिया गया था। इसके अलावा MC10 नैरोबी में हुआ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नैरोबी पैकेज निकला यहाँ पे। MC11 बुनोस एरिस में हुआ 2017 में, 2019 का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होना था वो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में होना था, लेकिन COVID-19 की प्रॉब्लम हुई, वी नो दैट COVID-19 की वजह से इसको डिले किया गया, 2020 में भी नहीं हुआ, 2021 में भी नहीं हुआ, और इवेंचुअली ये अभी हाल ही में जून 2022 में जिनेवा में इट हैज़ बीन फाइनलाइज और जिनेवा में जिनेवा पैकेज दिया गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि WTO के हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं MCQ में, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ अबाउट दीज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जैसे कि पहला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है सिंगापुर में जो हुआ था MC1, वहाँ पे मेन पॉइंटर्स ऑफ डिस्कशन क्या थे, 4 इशूज थे जिसके ऊपर चर्चा होने वाली थी, क्योंकि देखिए नया नया WTO बना था, गुड्स के ऊपर तो पहले से ही नेगोशिएशन चल ही रहा था, अब कुछ नई चीज़ें आ गई थी, सर्विसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अभी धीरे धीरे लिबरलाइजेशन हो रहा था तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, FDI रिलेटेड डिस्कशन भी होने वाली थी। तो 4 इंपॉर्टेंट इशूज थे प्राइम फोकस में सिंगापुर में, जिन्हें फेमसली सिंगापुर इशूज कहा जाता है। तो अगर मैं एक सवाल बना दूं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द सिंगापुर इशू और द इशूज डिस्कस्ड इन सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, इन चारों का नाम दे दिया तो 1, 2, 3, 4 वुड बी द ऑप्शन टू सेलेक्ट। ऑल्दो अगर इसमें कुछ ऐड किया जाए तो आप एलिमिनेट करना सीख लीजिएगा। सबसे पहले डिस्कशन का नॉर्म था गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाना, यानी कि सरकार एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है कहीं पे भी। अब इंडियन सरकार की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट इज अ बिग प्रोक्यूरर। अब प्रोक्योरमेंट किस तरह की होती है, जैसे गवर्नमेंट में समझिए स्टेशनरी की जरूरत है, गवर्नमेंट में बेंचेस की जरूरत है, गवर्नमेंट में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो प्राइवेट सेक्टर से ही तो लेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मली सरकारें क्या करती है, हमारे डोमेस्टिक कंपनी ही होनी चाहिए, कुछ इस तरह के क्लॉजेस ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन हुई थी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जब चलेगा तो बाहर वाली कंपनीज को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इवेंचुअली इसके ऊपर अग्रीमेंट हो चुका है, अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन कस्टम इशू, इसके ऊपर भी अग्रीमेंट आ गया कई सालों के डिस्कशन के बाद। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रिम्स करके भी अग्रीमेंट आ चुका है। ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी, इसके ऊपर भी एक अग्रीमेंट आ चुका है। तो शुरुआती दौर में ये इशूज थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल अभी तक का है दोहा, राइट। दोहा कतार में 2001 में दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन शुरू हुए और अभी भी अगर हम लोग बात करें दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर ही नेगोशिएशन चल रही है। और इसके अंदर अगर आप बात करें, नेगोशिएशन हुई थी ट्रिप्स की, ट्रिप्स के प्रति नेगोशिएशन हुई,
एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के प्रति नेगोशिएशन हुई, सब्सिडीज के ऊपर, यहाँ पे देखिए सब्सिडीज, प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग मेजर्स फॉर सर्टन डेवलपिंग कंट्रीज, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है अभी तक का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर, जहाँ पे सब्सिडी, देखिए हर सरकार सब्सिडी देती है अपने फार्मर्स को, सब्सिडी को लिमिट करने के लिए, क्योंकि सब्सिडी आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, अगर आप सब्सिडी दोगे यानी कि आपके देश में आप अपने प्राइसेस जो है वो नीचे रखना चाहते हो क्योंकि सब्सिडी दे रहे हो, तो सब्सिडी को लिमिट करने के लिए एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आया था, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज इसके ऊपर समय मांग रहे हैं, इसमें इंडिया भी है, तो इसके प्रति भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन आया था, तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा अभी तक चल रहा है, अभी तक द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन, सो दोहा राउंड इट वाज लॉन्च इन 2001 विच इज अ मेजर ट्रेडिंग सिस्टम, जहां पे ट्रेड बैरियर्स को हटाना है और नए रिवाइज रूल्स ले आने, धीरे धीरे कुछ कुछ इशूज यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर चर्चा चलता है। इसके अलावा जो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी बाली में, इंडोनेशिया में, वहां पे एक बाली पैकेज अनाउंस किया गया था, बाली पैकेज 2013 में हुआ, 2014 में डिसीजंस आए इवेंचुअली, जहां पे एक पीस क्लॉज दिया गया था, पीस क्लॉज मतलब इनडेफिनेटली डेवलपिंग कंट्रीज सब्सिडीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी भी नेगोशिएशन चली रही है। सो बाली पैकेज रिसेंटली नैरोबी पैकेज भी दिया गया था, जहां पे स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सटेंड किया गया था, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर से ट्रेड होती है, उसके अंदर स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे समझ लीजिए अब कंट्री एक्स है, कंट्री वाई को कंटिन्यूसली राइस का एक्सपोर्ट कर रहा है, अब इतनी ज़्यादा राइस की एक्सपोर्ट कर दी कि कंट्री वाई में राइस के दाम ही गिर चुके हैं, राइट? अब राइस का दाम गिरेगा तो कंट्री वाई के जो फार्मर्स है क्या वो राइस उगाएंगे? नहीं। अब इस सूरत में क्या होता है, कंट्री वाई के पास एक ऑप्शन है कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म लगाए और एक्स से राइस की इंपोर्ट पे रोक लगा दे, नहीं तो इस तरह के क्लॉजेस दिए गए। और नैरोबी पैकेज में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फूड सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए भी एक एक्सटेंशन दिया गया, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन के प्रति रूल्स बने, कॉटन के प्रति रूल्स बने, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कुछ अलग अलग प्रोविजंस दिए गए, राइट? और रिसेंटली जो जून 2022 में वहाँ पे एक जेनीवा पैकेज भी दिया गया, जेनीवा पैकेज में कोविड-19 पैंडेमिक के प्रति जो भी डिसरप्शन आया उससे प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, टूरिज्म के प्रति भी कुछ डिस्कशन हुई यहाँ पे, इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो डिसीजन आया था, मिनिस्ट्रियल डिसीजन ऑन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी यहाँ पे एक्सपैंड किया गया, जो भी एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगी है उसको कुछ एग्जेप्शन दी गई, तो जेनीवा पैकेज काफ़ी रिसेंटली आया है, 2022 में जेनीवा पैकेज वॉज अनाउंस, राइट? सो ये अभी तक की डेवलपमेंट है। अगेन आई डू अंडरस्टैंड कि कई चीज़ें आपको लग रहा होगा कि बहुत ही फास्टली मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ, लेकिन जब भी आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दी नेगोशिएशन इज हैपनिंग, स्पेशली 2001 के बाद आपको ध्यान रखना है कि 2001 से किस तरह की नेगोशिएशन चल रही है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाओ किस तरह की नेगोशिएशन चल रही है तो आपकी आंसर राइटिंग में भी वो आपको आइडिया आ जाएगी, सवाल किसी भी तरह का हो आप समझ जाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, राइट? इसके अलावा अगर आप मुझे कहें इन अ नटशेल आप मुझे बता दीजिए सर WTO क्या काम करता है, मैंने आपको बताया WTO का जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और आपने जनरल काउंसिल के बारे में देखा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के बारे में देखा, लेकिन इन अ नटशेल मुझे आपको संक्षिप्त रूप में बताने कि WTO करता क्या है। 6 मेन एरियाज में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला काम है WTO के अग्रीमेंट्स लाना है। WTO के अग्रीमेंट्स आप कहाँ पे लाओगे? गुड्स में लाओगे, सर्विसेज में लाओगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लाओगे। ये ऑलरेडी अग्रीमेंट्स आ चुके हैं, कई चीज़ों में नेगोशिएशन अभी भी चल रही है। जैसे धीरे धीरे ट्रेड में कुछ और बदलाव आएगा तो वहाँ पे नेगोशिएशन आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेड चले तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर दो देशों के बीच डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हैं, और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू लाते हैं, यानी कि ट्रेड पॉलिसी में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो अगेन जनरल काउंसिल इसको डिसाइड करते हैं। तो इन अ नटशेल अभी तक WTO में हमने क्या बात की, बेसिक प्रिंसिपल से कुछ MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, फ्री ट्रेड होना चाहिए, इन प्रिंसिपल्स के आधार पे अलग अलग अग्रीमेंट्स आने हैं। अग्रीमेंट किस में आने हैं? गुड्स में, आ चुका है ऑलरेडी GATT। अग्रीमेंट आने हैं सर्विसेज में, GATS, GATS ऑलरेडी आ चुका है। अग्रीमेंट आना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, TRIPS ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें भी गुड्स में अगर हम लोग बात करें, अलग अलग गुड्स पे अग्रीमेंट आते हैं, अलग अलग तरह के अग्रीमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि किस तरह के अग्रीमेंट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स क्या आ चुके हैं, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आ चुका है, जहां पे 1995 में ही अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आया था, जहां पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें
डिस्कस की गई, डोमेस्टिक सपोर्ट, मार्केट एक्सेस कैसे मिले, एक्सपोर्ट सब्सिडीज को कैसे लिमिट करें, यानी कि जो देश अपने यहाँ पे डोमेस्टिक सपोर्ट देता है उसको लिमिट करना है, स्पेशली दी मार्केट डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट जो होता है उसको कम करना है, मार्केट एक्सेस देना है यानी कि एक दूसरे के देश को मार्केट एक्सेस देना है। देखिए यही कंटेंशियस चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ आपको नॉर्थ साइड के देश है, दूसरी तरफ आपको साउथ साइड के देश है। अब नॉर्थ साइड के देश में एग्रीकल्चर कमर्शियल है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूएसए यार बिलियंस ऑफ डॉलर सब्सिडी देते हैं ये लोग अपने कमर्शियल फार्मर्स को, और आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह देखेंगे फार्मर्स बड़े बड़े इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, हजारों टन प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, डोमेस्टिक में इस्तेमाल तो करेंगे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे साउथ कंट्रीज में, यानी कि इनका मार्केट इन्हें चाहिए, नॉर्थ को मार्केट चाहिए इनके पास प्रोडक्ट से। अब साउथ में देखिए धीरे धीरे प्रोडक्शन डेवलप हो रही है, यानी कि इनके पास अगर मार्केट कंप्लीटली ओपन कर देंगे तो इनका खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसीलिए इसके ऊपर नेगोशिएशन चलती है। तो नेगोशिएशन हैपन्स इन डोमेस्टिक सपोर्ट, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी को लिमिट करने के लिए। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी सभी जगह पे, डेवलप कंट्री में लिमिट करने के लिए, डेवलपिंग कंट्री में भी लिमिट करने के लिए। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा है कि नॉर्थ कंट्रीज देखिए 1995 से पहले ही बहुत सारी सब्सिडी दे चुके हैं ये लोग, इनकी जो पूरी इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी इवॉल्व है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल हो चुका है, तो इन्होंने पहले बहुत सारी सब्सिडी दी है। अभी सदर्न कंट्रीज धीरे धीरे सब्सिडीज दे रही है, क्यों, क्योंकि इनके यहाँ पे भी फार्मर्स को ऊपर लाना है, फार्मर्स की फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो सब्सिडी लिमिट इन्हें भी करनी है, इन्हें भी करनी है। तो साउथ कहता है कि हम लिमिट करेंगे लेकिन पहले हमारी खुद की इंडस्ट्री को डेवलप होने दीजिएगा, ये है बेसिक आइडिया, राइट। इसके अलावा जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज भी आ चुका है, गैट्स। अब गैट्स में देखिए अलग अलग तरह की नेगोशिएशन हुई, गैट्स में चार तरह के मोड्स के ऊपर नेगोशिएशन हुई। पहला मोड है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, जहां पे कंट्री ए की एक्सपोर्ट सर्विसेज पहुंचेगी कंट्री बी में, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंजम्पशन अब्रॉड, यहाँ यानी कि टूरिज्म, फॉर एग्जांपल टूरिज्म, एक कंट्री से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं तो टूरिज्म हो गए, स्टूडेंट्स हो गए आपके, या फिर पेशेंट्स हो गए, मेडिकल टूरिज्म हो गए, इसको कैसे रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा कमर्शियल प्रेजेंस, आजकल तो ये भी हो चुका है मोड थ्री में, आप डायरेक्टली दूसरी कंट्री में आपकी सेटअप करोगे, आपका FDI जाएगा, आपका पैसा लगेगा, आपका ऑफिस रहेगा, तो वहाँ पे कैसे रेगुलेट करें। और चौथा है नेचुरल मूवमेंट ऑफ पर्सन, यानी कि डायरेक्टली पर्सन जाएगा वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएगा सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड, राइट। तो मोड वन, मोड टू, मोड थ्री, मोड फोर फाइनलाइजेशन हो चुका है गैट्स के अंदर। इसके अलावा आपकी अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स आ चुका है, ट्रिप्स के अंदर अग्रीमेंट आ चुका है कि पेटेंट क्या होता है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, कंपलसरी लाइसेंसिंग, इन सभी चीज़ों के नॉर्म्स आ चुके हैं। अब गुड्स की ट्रेड्स में अलग अलग अग्रीमेंट्स और एनेक्सेस भी आ चुके हैं, जैसे कि SPS अग्रीमेंट है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, साइटोफाइनेटरी अग्रीमेंट है कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक फूड प्रोडक्ट भेजूंगा, आपको याद होगा कुछ सालों पहले इंडिया से अल्फोंसो मैंगो गया था यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन ने उसे वापस कर दिया, क्यों, क्योंकि वो साफ सुथरे नहीं है करके बताया, फाइटो सैनिटरी मेजर्स निकले। तो ये कुछ अग्रीमेंट्स है जहाँ पे एक दूसरे के जो देश रखते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए, रीजनेबल साइटो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स रीजनेबल है। इसके अलावा अग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन आ चुका है कुछ साल पहले, अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड आ चुका है, अग्रीमेंट ऑन कस्टम वैल्यूएशन आ चुका है, दूसरी भी अग्रीमेंट आ चुके हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत सारे अग्रीमेंट आ चुके हैं, अग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट आ चुका है, ट्रिम्स आ चुका है, देर आर सो मेनी अग्रीमेंट्स विच WTO लुक्स एट। तो इन अ नटशेल क्या करते हैं, अग्रीमेंट लाना है, उस अग्रीमेंट की वर्किंग कैसे हो रही है वो देखना है, अगर दो देशों के बीच डिस्प्यूट आ रहा है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, और आगे वाली जो ट्रेड पॉलिसी रहेगी उस ट्रेड पॉलिसी को इन्हें दिशा देनी है, राइट। दैट इज अ बेसिक वर्क ऑफ WTO, राइट, इन अ नटशेल। अब WTO सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशंस का भाग नहीं है, लेकिन WTO से जुड़ी हुई बहुत सारी दूसरी बॉडीज है, इट वर्क्स वेरी क्लोजली विद यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की थी WTO के ऑर्गेनाइजेशन में, WTO के अग्रीमेंट्स में, उनके टेक्स्ट में आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेंशन मिलता है, जैसे कि FAO और WHO का मैंने आपको बताया था कोडेक्स एलिमेंटेरियस फॉर दी सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, SPS अग्रीमेंट में इसका मेंशन मिलेगा आपको, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में आपको FAO का मेंशन मिलेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन मिलेगा, IMF का मेंशन मिलेगा। तो आपको ये जितनी भी सारी यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज थी उनका मेंशन मिलेगा, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है WTO इज नॉट यूनाइटेड नेशंस बॉडी बट
इट वर्क्स वेरी क्लोजली विथ यूनाइटेड नेशंस एंड अदर यूनाइटेड नेशंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि यूएन सिस्टम के साथ काफी क्लोजली ये लोग काम करते हैं. तो डब्ल्यूटीओ इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी. अगर सवाल में मैं एक स्टेटमेंट दे दूं डब्ल्यूटीओ इज अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, गलत स्टेटमेंट है. प्लीज रिमेंबर इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑलराइट, तो ये थी हमारी डिस्कशन डब्ल्यूटीओ के बारे में. अभी हम लोग बात करने वाले इसी के साथ जुड़े हुए कस्टम्स यूनियन के बारे में, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं यू आर एट द राइट प्लेस. स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 से. आपको ध्यान रखना है ये है डेट, इस डेट को आप थोड़ा सा फिक्स कर लीजिएगा. इस डेट से पहले आपको एनरोल करना है. क्यों? क्योंकि स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए. अफोर्डेबिलिटी स्टडी आईक्यू का एक मोटो है कि हम आप द क्वालिटी एजुकेशन ले एट अफोर्डेबल प्राइसेस. ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 18,999 में अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव. कंपनी का प्राइस 25,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप ये कोड इस्तेमाल करोगे मेरा राहुल लाइव विदाउट एनी स्पेसेस RAHULLIV, यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर 18,999. यही कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो PSIR के ऑप्शनल के ऊपर भी. अगर आपने PSIR ऑप्शनल चूज किया है, PSIR ऑप्शनल का जब आप कोर्स खरीदोगे ऑन studyiq.com और आवर ऐप, वहाँ पे भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं. ज्योग्राफी का ऑप्शन भी चल रहा है. देखिए हमारे जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको वीकली रिवीजन टेस्ट मिलेगा. इसी कोर्स में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. आपको ज्ञानवाणी सेशंस मिलेंगे. इसके अलावा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप. आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपके साथ एक मेंटर रहेंगे आपकी जर्नी में. थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन जर्नी देर वुड बी अ मेंटर हु वुड बी हेल्पिंग यू. इसके अलावा MCQ बेस्ड लर्निंग होगी. जब भी कोई मॉड्यूल खत्म होगा MCQ सॉल्व करा दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सिप प्रोग्राम मिलेगा आपको. एवरीथिंग यू विल गेट इट ओनली फॉर 18,999. लेकिन आपको बस ध्यान रखना है वेन एवर यू चेक आउट यूज द कोड RAHULLIVE कैपिटल्स में, किसी में भी स्पेस नहीं देना है. आप एक कोड इस्तेमाल कीजिएगा, यू विल गेट इट फॉर 18,999 ओनली. चर्चा पे वापस चलते हैं और मैंने आपको बताया वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन. नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी नेटिग्रिटीज रहेंगी, टेक्निकलिटीज रहेंगी, उसके प्रति देशों के बीच कोऑपरेशन लाने के लिए, नेगोशिएशन के लिए, एक फोरम बनाने के लिए फॉर कस्टम्स ये बॉडी बनी है. वर्ल्ड कस्टम्स यूनियन और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1952 एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ताकि कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवनेस आए. देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर एक देश से दूसरे देश को कोई चीज़ मैं भेज रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कस्टम्स पे, आपकी बॉर्डर पे जो कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टम्स ऑफिस है, वहाँ पे चीज़ें रुक जाएंगी. और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अगर बहुत दिनों तक कस्टम्स पे रुके तो ख़राब हो सकते हैं. तो जल्द से जल्द कस्टम्स रिलेटेड फैसिलिटेशन हो, इसीलिए ये बॉडी बनी थी. WCO का काम ही है कि वो कस्टम रिलेटेड मैटर्स में मदद करे. जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जो भी अग्रीमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, जो भी रूल्स ऑफ ओरिजिन की चीज़ें हो, कस्टम कलेक्शन हो, सप्लाई चेन सिक्योरिटी से इश्यूज हो, इन सभी चीज़ों में काम करता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन. अब ये रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कस्टम में कई बार दिक्कत हो जाती है, स्पेशली विथ चाइना. अब चाइना के साथ होता क्या है कि चाइना यार मास प्रोड्यूसर है, पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. अब देखिएगा बच्चों के जो खिलौने पड़े हुए हैं, सभी खिलौने पे मेड इन चाइना मिलेगा. लेकिन हमारा खुद का भी प्रोग्राम चल रहा है टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो चाइना क्या करेगा कि अगर हम लोगों ने चाइना से टॉयज़ की इम्पोर्ट पर रोक लगा रखी है, तो चाइना क्या करेगा, टॉयज़ को भेजेगा आपको समझ लीजिए बांग्लादेश को. अब बांग्लादेश भेजेगा टॉयज़ इंडिया को. अब यहाँ पर काम आता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, ताकि किस देश में वो प्रोडक्ट बना है उसे कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन. और कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टम्स ऑफिसर्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि अगर वो चीज़ बांग्लादेश में बनी है इट इज़ वेरी फाइन, क्योंकि बांग्लादेश कैन एक्सपोर्ट थिंग्स करके हम लोगों ने ओके कर रखा है. हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, चाइना से वो प्रोडक्ट नहीं आना है, लेकिन चाइना रीराउटिंग नहीं कर सकता, तो इसके प्रति भी WCO काम करेगा. WCO का हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स बेल्जियम में, राइट, ध्यान रखिएगा ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा इसके अलावा WCO में, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में 183 मेंबर्स हैं. इंडिया इसका भाग है. 1971 में इंडिया ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन को. इसकी जो वर्किंग चलती है इट वर्क्स थ्रू एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इनकी एक काउंसिल है WCO काउंसिल. WCO काउंसिल में
जो मेंबरशिप दी गई है इट हैज़ बीन डिवाइडेड, 6 रीजन्स में इसकी मेंबरशिप डिवाइड की गई है। प्रत्येक मेंबर से एक वाइस चेयरमैन आता है WCO की काउंसिल में, और चेयरमैन सेलेक्ट किया जाता है बाय द काउंसिल इटसेल्फ। काउंसिल मीट्स वंस इन अ ईयर, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसको हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, जिनको अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए बाय द WCO काउंसिल इटसेल्फ। और WCO काउंसिल इट इज बेसिकली लाइक द पार्लियामेंट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स यूनियन, यानी कि अलग अलग देशों के कस्टम्स के जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, इंटरनेशनल कस्टम्स कम्युनिटी उसकी समझ लीजिए पार्लियामेंट है। इनफैक्ट इसका पुराना जो नाम था वो था कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल इटसेल्फ, उससे वो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, राइट। दिस इज द WCO। अब WCO की कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, ये बहुत ज़रूरी है, कई बार इसके ऊपर भी MCQs बन चुके हैं स्टेट PSC में भी, UPSC में भी। WCO की इनिशिएटिव्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, जैसे कि इट वर्क्स इन सो मेनी एरियाज लाइक क्रिएटिंग कस्टम्स कन्वेंशंस, क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स अग्रीमेंट्स प्रोटोकॉल्स, कस्टम रेवेन्यू कलेक्शन के से जुड़ी हुई चीज़ें, सप्लाई चेन सिक्योरिटी जुड़ी चीज़ें, IPR से जुड़ी हुई चीज़ें, काउंटरफेटिंग कॉम्बैट करना, यानी कि एक देश से दूसरे देश में अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है काउंटरफेट चीज़ों को रोकना है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग रोकनी है, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग रोकनी है, तो इन सारी चीज़ों में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और इसके प्रति इन्होंने कई सारी चीज़ें लाई हुई, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन इन्होंने एक फाइनलाइज किया हुआ है फॉर हार्मोनाइज कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, यानी कि एक देश से जब दूसरी देश प्रोडक्ट जाएगा तो उस प्रोडक्ट के लिए HS कन्वेंशन के अंडर कमोडिटी की डिस्क्रिप्शन और कमोडिटी कोड आ गया कि वो कोड है कार्गो में। अब देखिए कई बार ऐसा होता है एक देश अगर दूसरे देश को प्रोडक्ट भेज रहा है बड़े बड़े शिप्स में भेजेगा और बड़े बड़े कंटेनर में भेजेगा, एंड इट फिजिकली बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द कस्टम्स ऑफिशियल्स टू गेट इन टू द कंटेनर एंड चेक, तो उसके ऊपर ये हार्मोनाइज कोड दिया जाएगा कि इस कोड में इस बेसिकली कंटेनर में ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट को आप ट्रांसफर करा सकते, कुछ इस तरह की चीज। इसके अलावा ATA कन्वेंशन है, देखिए ATA का मतलब है एडमिशन टेम्पोरर, ये एक फ्रेंच वर्ड है ATA, एडमिशन टेम्पोरर कन्वेंशन। इसके अलावा इसका फ्यूचर कन्वेंशन था इस्तांबुल कन्वेंशन, यहां पे कार्गो के लिए पासपोर्ट दिए जाते हैं। ATA कन्वेंशन के अंडर देर वुड बी अ कार्गो पासपोर्ट फॉर दी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है, एक कंपनी गुड्स को भेजना चाहती है तो उनके पास अगर कार्गो पासपोर्ट रहेगा तो आसानी से डॉक्यूमेंटेशन होगी, कस्टम्स पे इजी फैसिलिटेशन हो जाएगी और चीज़ों को आप मूव कर सकोगे। इसके अलावा आरुषा डिक्लेरेशन आया कस्टम्स इंटेग्रिटी पे, ये आरुषा क्या है कई बार सवाल बन सकते हैं, वेयर इज दिस आरुषा सिटी, आरुषा सिटी कम्स इन तंजानिया, आपको ध्यान रखना है इट इज अ सिटी इन तंजानिया। इसके अलावा एक बार सवाल भी आ चुका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ फ्रेमवर्क SAFE फ्रेमवर्क है क्या, SAFE फ्रेमवर्क हैज बीन क्रिएटेड बाय WCO फॉर सिक्योर एंड फैसिलिटेशन फॉर सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इसके अलावा कोलंबस प्रोग्राम भी ये लोग डेवलप कर चुके हैं, कोलंबस प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कस्टम्स ऑफिशियल कस्टम फैसिलिटेशन फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ध्यान रखना ये तो WCO की इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें की हुई है बट आई थिंक फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस टू नो अबाउट WCO। ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर्स इन ब्रसल्स बेल्जियम, राइट। WCO के बाद बात करते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, नॉट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बट बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अब BIS है क्या, BIS एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहूँगा इंटर गवर्नमेंटल या फिर इंटर बैंक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कह सकते हैं। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआती दौर में केवल डेवलप्ड कंट्रीज थी इसमें, USA और यूरोपियन कंट्रीज थी, इन्होंने अपनी जो सेंट्रल बैंक्स थी जैसे कि US की फेडरल बैंक है, यूरोप में अलग अलग देशों के अलग अलग उनके सेंट्रल बैंक्स थे, इंडिया में RBI है, इंडिया ने तो ज्वाइन किया है लेटर, बट शुरुआती दौर में यूरोपियन कंट्रीज ने एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि मॉनेटरी और फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए, मॉनेटरी बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बनाई BIS, राइट। अब आपको ध्यान रखना है BIS क्या किसी सरकार के अंडर है, नहीं, BIS is completely independent, it is not accountable to any national government, please remember this, ये बहुत ही important pointer है। अभी फिलहाल BIS में 63 central bank के members या फिर monetary authorities इसके भाग हैं और India भी इसका member है, India की तरफ से RBI की governor है, is the representative at Bureau of International Settlements। BIS का headquarter है Basel में, Basel comes in Switzerland, इसको याद रखना है Basel, Switzerland।
इसके अलावा मिशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया मिशन है BIS का कि सेंट्रल बैंक्स की मदद करें उनके खुद के देशों में भी एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। अब ये कैसे बरकरार रहेगी, आपने कई बार सुना होगा बैंक फेल हो गई, यानी कि बैंकिंग क्राइसिस हो गया। अब बैंकिंग क्राइसिस होता कब है, देखिए एक बैंक है, समझ लीजिए बैंक के पास 1,000 रुपये है, राइट, 1,000 रुपये के एसेट्स है। अब बैंक ने 10,000 रुपये का लोन दे दिया तो बैंक तो फेल होनी ही होनी है, क्योंकि आपके एसेट्स और आपने जितना लोन दिया है इनमें बहुत बड़ा मिसमैच है। तो BIS का काम है कि आप इन स्टैंडर्ड्स को बताएं कि अगर किसी बैंक के पास 1,000 रुपये के एसेट हैं तो आप कितने तक बिजनेस कर सकते हो, कितना लोन दे सकते हो, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर जिससे कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, राइट। 63 मेंबर्स यहाँ पे हैं, लेकिन जो 63 मेंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं दे आर 95% ऑफ वर्ल्ड GDP, यानी कि मेजर कंट्रीज सारे इसके भाग हैं। और BIS से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है, ऑल दो ये भी एक इंडिपेंडेंट कमिटी है, बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन विच वर्क्स वेरी क्लोजली विद BIS, ब्यूरो ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, नॉट ब्यूरो, पार्डन मी, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इन्होंने दिया है बेसल अकॉर्ड्स। अब ये बेसल अकॉर्ड्स है क्या, बेसल अकॉर्ड्स के तहत ही हमारे बेसल नॉर्म्स आए हैं। आप जानते हैं कि बेसल नॉर्म्स क्या है, सवाल कभी कभार बन सकता है, बेसल नॉर्म्स आर कनेक्टेड टू व्हाट, बेसल नॉर्म्स आर कनेक्टेड टू बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये रेस्पॉन्स है। बेसल नॉर्म अभी तक बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 आ चुके हैं, इसके अंदर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। मैंने आपको सिंपल उदाहरण दिया कि बैंक के पास 1,000 रुपये है तो वो कितने तक का बिजनेस कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली द बेसल नॉर्म, कि आपको आपके पास कैपिटल होना चाहिए, यू हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस तरह के कुछ नॉर्म्स आए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था 2008 में उसके बाद बेसल नॉर्म्स 3 इंप्लीमेंट किए गए हैं। इसके बावजूद कई बार हम लोगों ने देखा है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की वजह से बैंक्स में फेलियर जरूर होता है, लेकिन अभी फिलहाल बेसल 3 नॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड इन मेजॉरिटी ऑफ दी 63 कंट्रीज जहाँ पे इन सेंट्रल बैंक्स ने इसको एक्सेप्ट किया। इंडिया में भी बेसल नॉर्म्स 3 आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, राइट। दिस वॉज अबाउट द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WEF के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब सबसे पहला मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। गलत जवाब है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज नॉट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेसिकली लाइक एन NGO और एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक फाउंडेशन, इसको ध्यान रखना आपको। 1971 में बना था WEF एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक फाउंडेशन। अब इसका उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक फोरम है, यानी कि विश्व की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, विश्व की इकोनॉमी की ट्रांजिशन के बारे में जो भी डेवलपमेंट होगी उसके प्रति भी ये लोग काम करते हैं। इनका इनिशिएटिव है बेसिकली टू इम्प्रूव द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। पहले इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, और ध्यान रखना है आपको WEF का हेडक्वार्टर है इन कलोनी स्विट्जरलैंड, ऑल दो कलोनी जिनेवा के अंदर ही आता है लेकिन WEF इज इन कलोनी स्विट्जरलैंड। और WEF का जो ईयरली एनुअल इकोनॉमिक फोरम होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग, वो होता है डेवोस में, इसको कहते हैं डेवोस समिट भी। तो ध्यान रखिएगा MCQs किस तरह के बन सकते हैं, कलोनी सिटी कहाँ पे है, डेवोस समिट क्या है, डेवोस कहाँ पे है, WEF क्या है, WEF नॉट फॉर प्रॉफिट एक फाउंडेशन है, इट इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम है बेसिकली टू इम्प्रूव द इकोनॉमी और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन आती है, ये बहुत जरूरी है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पब्लिकेशन आती है। कौन सी पब्लिकेशन है, इनकी सबसे पहली पब्लिकेशन है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ध्यान रखना है, ग्लोबल एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट ये रिलीज करते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल IT रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स इंडेक्सेस रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कई बार सवाल इसके ऊपर आ चुके हैं, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के ऊपर सवाल आ चुके हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के ऊपर सवाल आ चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, दीज आर रिपोर्ट्स आर रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसके अलावा जो रीसेंट टाइम्स में डेवोस में समिट हुए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड ऑल्सो गिवन अ विजिट टू WEF, मल्टीपल टाइम्स जा चुके हैं डेवोस। अब यहाँ पे ध्यान देना, WEF का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बज वर्ड बन चुका है 4.0,
ये 4.0 है क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 वॉज द ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, लेकिन 4.0 इज समथिंग एल्स. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 कब हुआ? जब हम लोगों ने स्टीम इंजन ढूंढ निकाला, नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 कब आया? जब हम लोगों ने प्रोडक्शन में ऑटोमेशन किया, राइट, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ CNC, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड मशीन, CNC मशीन्स आई. असेंबली लाइन प्रोडक्शन जब शुरू हुई, इंडस्ट्री 2.0 आया. इंडस्ट्री 3.0 आया विद द डेवलपमेंट ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. लेकिन अभी 4.0 की तरफ हम लोग मूव हो रहे हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इसके लिए WEF ने एस्टैब्लिश किया है एक सेंटर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन सैन फ्रांसिस्को, ताकि आगे आने वाले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए हम लोग तैयार है 4.0 के लिए, सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने एक सेंटर डेवलप किया है, सेंटर फॉर IR 4.0. इसके बारे में ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, राइट. सो दिस वॉज आवर डिस्कशन अबाउट WEF. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FATF के बारे में. FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. FATF क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है, फाइनेंशियल इशू से जुड़े हुए अगर कोई देश कोई चीज़ कंप्लाई नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू टेरर फाइनेंसिंग, अगर टेरर की फाइनेंसिंग चल रही है तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं. FATF का मतलब है एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो देशों के प्रति लीगल स्टैंडर्ड्स बनाता है कि टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आपको लॉ बनाना है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आपको लॉ बनाना है. अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करते तो FATF कैन टेक सर्टन एक्शन अगेंस्ट यू. तो FATF ऑर्गेनाइजेशन है विच सेट्स दी स्टैंडर्ड्स, rules, regulations to counter money laundering, to counter terror financing and to counter other issues related to international financial system. अब देखिए, आजकल तो FATF has swooped into action, specially in the era of crypto. अब जानते हैं कि crypto में क्या हो रहा है. Crypto एक ऐसा virtual asset है जो कहीं से कहीं पे भी आप trade कर सकते हो. इसीलिए कई बार FATF की तरफ से वार्निंग आ चुकी है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से वार्निंग आ चुकी है कि क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्चुअल एसेट है जो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है. किसी भी सरकार का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, बॉडी का उसके ऊपर ओवरसाइट नहीं है. इट्स कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज. दैट इज वाई क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर कई बार सवाल उठते हैं और FATF ने भी उठाए जरूर है. तो FATF बेसिकली क्या है? इट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, अ ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग. यानी कि मनी लॉन्डर नहीं करे, एक देश से दूसरी देश मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, टेरर फाइनेंसिंग ना हो, इसके प्रति FATF काम करता है. FATF की स्थापना हुई थी 1989 में एट द G7 समिट. आज फिलहाल FATF एक बहुत ही छोटी बॉडी है, केवल 37 मेंबर ज्यूरिसडिक्शंस हैं इसके, केवल 37 कंट्रीज हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं. आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस इन फ्रांस. इनफैक्ट इसका हेडक्वार्टर्स ये शेयर करता है विद द हेडक्वार्टर्स ऑफ OECD. OECD के बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा जरूर करेंगे. अब मैंने आपको बताया FATF का कुछ रोल है, FATF क्या काम करता है. देखिए, सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, मनी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. अब सवाल ये उठता है, क्या FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस डायरेक्टली कंट्रीज के ऊपर लागू होते हैं क्या? नहीं. आपको ये जानना है कि FATF केवल FATF स्टैंडर्ड्स बनाते हैं. स्टैंडर्ड्स मतलब ये अपनी तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताएंगे कि आपके देश में, फॉर एग्जांपल FATF ने स्टैंडर्ड बना दिया है कि एवरी मेंबर कंट्री और द कंट्रीज दे हैव टू क्रिएट अ लॉ अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, दे हैव टू क्रिएट अ लॉ अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू क्रिएट लॉस ताकि उनके यहाँ पे जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर आप निगरानी रखिएगा. तो बेसिकली FATF एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो देशों को मदद करता है इन टर्म्स ऑफ द नेशनल लेजिस्लेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने में मदद करता है ताकि हर एक देश स्ट्रेंथन करे अपने खुद के मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के मेजर्स. इसके अलावा सारी टेक्निकल असिस्टेंस, R&D सब कुछ मिलती है देशों को यहाँ पे फ्रॉम FATF. अब समझ लीजिए कि कोई देश ऐसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए या फिर उसको रोकने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं ला रहे हैं डिस्पाइट FATF टेलिंग देम, तो FATF क्या करता है कि सारे देश
इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी इसको मॉनिटर करेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, मॉनिटर कर, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है, दैट विल होल्ड कंट्रीज टू द अकाउंट हु डू नॉट कंप्लाई। अब सवाल ये उठता है कि सर FATF कंट्रीज के खिलाफ एक्शन क्या लेती है। देखिए FATF की दो लिस्ट होती है, एक है FATF ग्रे लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट में अगर किसी देश का नाम आ गया तो इसका मतलब है उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उनकी उनकी इकोनॉमी के ऊपर ही प्रश्न उठ जाता है। अब इस तरह की कंट्रीज जो ग्रे लिस्ट में जाती है, दे आर कंसिडर्ड एज सेफ हेवन फॉर टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर देश में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहे हैं वहाँ के बैंक्स हो गए या फिर वहाँ की इंस्टीट्यूशंस हो गई, टेररिस्ट को कहीं ना कहीं वहाँ से फाइनेंसिंग जा रही है। एक बार अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में चला जाए तो वो उसके लिए एक चेतावनी बन जाती है, इट इज़ लाइक अ वार्निंग, एक चेतावनी बनती है कि आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। देखिए ग्रे लिस्ट में जब जाएंगे तो इनके ऊपर स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग यानी कि एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग के मेजर्स आ जाते हैं कि इनके ऊपर नजर रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई फंडिंग जा रही है तो अगर ग्रे लिस्ट में है तो आपको कम फंडिंग जाएगी या फिर कभी कभी फंडिंग रुक भी जाती है। अगर आपके आप IMF से फंड ले रहे हो या फिर दूसरे बैंक से फंड लेना चाहते हो, दूसरे बैंक से लोन लेना चाहते हो, अगर आप ग्रे लिस्ट में हो तो आपको आसानी से लोन नहीं मिलता है। क्योंकि यहां पे सवाल जरूर उठा हुआ रहता है हमेशा कि अगर आप लोन ले रहे हो इन इंस्टीट्यूशन से तो क्या उस लोन से जो पैसा आ रहा है क्या वो डेवलपमेंट में जा रहा है, शायद उससे टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही होगी, शायद उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी, ये एक प्रश्न चिन्ह हमेशा बना हुआ रहता है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ग्रे लिस्ट चर्चा में जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, वो ग्रे लिस्ट में रिटेंड है कई सालों से, इट हैज बीन ग्रे लिस्ट, राइट। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डेजिग्नेटेड जो टेरर ग्रुप्स है, राइट, लश्कर ए तैयबा, बहुत सारे टेरर ग्रुप्स है पाकिस्तान में, और उस टेरर ग्रुप्स के ऊपर इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, उनके टॉप लीडरशिप को इन्होंने प्रोसिक्यूट नहीं किया है, इसके लिए अभी भी वो ग्रे लिस्ट में मेंटेन है। पता नहीं कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव हो रही है इतने सारे एक्शंस के बावजूद भी, बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ अ फेवरेट ऑफ दीज सुपर पावर्स, पहले से ही, पहले US के काफ़ी क्लोज था पाकिस्तान, अभी चाइना के काफ़ी क्लोज है, उसे somehow it is surviving, but it is still in the grey list। अब अगर grey list से किसी देश को हटना है, grey list से समझ लीजिए कि पाकिस्तान को हटना है, तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, they have to take actions, FATF उन्हें standard actions बताएंगे कि आप terror financing के लिए rules and regulations ले हैं। For example, अगर कोई UNSC United Nations Security Council designated terror group है तो उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कीजिएगा, उन इंडिविजुअल्स के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कीजिएगा, उनके फंड्स को कैच कर लीजिएगा, तब जाकर अगर आपने एक्शन लिया है आपको ग्रे लिस्ट से बाहर हटाया जा सकता है। अगर समझ लीजिए इस ग्रे लिस्ट पे जाने के बावजूद भी अगर कोई देश बाज नहीं आता है तो क्या होता है, उसको इवेंचुअली डाला जाता है FATF ब्लैक लिस्ट में, यानी कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं ये, टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते हैं नॉन कोऑपरेटिंग टेरिटरीज करके बताया था, अगर ऐसा हो जाए तो आपको लोन नहीं मिलता, यू हैव बीन ब्लैक लिस्टेड, राइट, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में आप लड़ाई में मदद नहीं कर रहे हो, यू आर ब्लैक लिस्टेड। अब नॉर्थ कोरिया, ईरान ब्लैक लिस्ट में है, कई बार कुछ ऐसे देश भी ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं जिनके पास इसके मेजर्स नहीं है, बट एज ऑफ नाउ नॉर्थ कोरिया, ईरान आर इन द ब्लैक लिस्ट, और ब्लैक लिस्ट में चले जाए मतलब यू हैव बीन ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। तो ये थी हमारी चर्चा FATF के बारे में। ऑल दो FATF को हम लोग सिक्योरिटी में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन FATF इज कनेक्टेड टू फाइनेंसिंग मनी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा OECD के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है, OECD का हेडक्वार्टर ही शेयर करता है FATF भी। अब ये OECD है क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नाम है OECD। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटर गवर्नमेंटल फोरम, टू सम एक्सटेंट वी कैन कॉल इट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। 1961 में बना था, मेन इसका मुद्दा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज है, इसके जो मेंबर्स हैं ये 38 डेमोक्रेसीज हैं, और ये छोटी मोटी डेमोक्रेसीज नहीं है। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ OECD मेंबर्स जो हैं वो हाई इनकम इकोनॉमी से, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी हाई है, यानी कि मैं कह सकता हूँ OECD एक ग्रुप है, एक गुट है बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज का। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज है, रिसेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोस्टारिका ने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, बेसिकली
डेवलप्ड डेमोक्रेसीज एंड मार्केट इकोनॉमीज ये मिलकर ओईसीडी बनाते हैं। अब ओईसीडी का ऑब्जर्वर स्टेटस है संयुक्त राष्ट्र, और मैंने आपको हेडक्वार्टर्स बताया पेरिस फ्रांस। अब ये काम क्या कर रहे हैं, देखिए ओईसीडी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। ओईसीडी बेसिकली काम करता है टुवर्ड्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने के लिए भी काम करता है, वर्ल्ड ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए। और ओईसीडी का काम मेजरली ब्राइबरी करप्शन को एलिमिनेट करने की तरफ और फाइनेंशियल क्राइम्स, अब मैं कहूँगा यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम्स मतलब स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टैक्स इवेजन जो होता है, राइट, टैक्स इवेड कर रहे हैं आप, टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों के प्रति भी ये लोग काफ़ी R&D करते हैं, इनपुट्स देते हैं देशों को। इसके अलावा OECD का खुद का एक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट मेंटेन करते हैं। अब ये OECD का जो ब्लैक लिस्ट है इट इज़ नॉट सिमिलर टू FATF ब्लैक लिस्ट, प्लीज रिमेंबर FATF ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज है जो टेरर फाइनेंसिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ला रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में कुछ ऐसी कंट्रीज है जो टैक्स हेवन्स है, यानी कि अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन्स है, यहाँ पे जीरो टैक्स रेगुलेशंस ये लोग ले आते हैं ताकि पैसों की रीराउटिंग होती है, जैसे कि केमन आइलैंड्स हो गया आपको, मॉरिशियस हो गया, बहुत सारे टैक्स हेवन्स यहाँ पे इस ब्लैक लिस्ट में डाले गए, राइट। आपको ध्यान रखना है इंडिया इज नॉट अ मेंबर। अगर मैं एक सवाल बना दूंगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट OECD, OECD कंप्राइजेस ऑफ ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, गलत स्टेटमेंट है, मेजॉरिटी डेवलप्ड कंट्रीज है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ OECD, ये भी गलत स्टेटमेंट होगा, लेकिन इंडिया एक की पार्टनर है OECD का। और OECD काम क्या करता है, देखिए बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना, यानी कि इनकी रिसर्च चलती है, इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस जर्नल्स आते हैं जिससे देशों को मदद मिलती है कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज रहेंगी, फिस्कल पॉलिसी रहेंगी किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए लोग हेल्प करते हैं, राइट। और OECD का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पिछले कुछ सालों में, जहाँ पे इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की है अबाउट BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग अगेन टैक्स अवॉइडेंस का ही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं वोडाफोन के बारे में। वी नो भारत सरकार का और वोडाफोन का है ना जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल विवाद चल रहा है। अब ये लोग बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस कैसे करते हैं, देखिए वोडाफोन कंपनी अभी इंडिया में है, राइट, इंडिया में इनकी ऑपरेशन है। अब इनका जो होम कंट्री है UK में भी ये है। अब इनकी जो ऑपरेशन चलती है वो समझ लीजिए चलती है केमन आइलैंड्स में भी, राइट, केमन आइलैंड्स में चलती है। अब देखिए वोडाफोन यहाँ पे क्या करेगा, इंडियन टैक्सेशन लॉ आपको पता है, इंडिया में जब आप ITR फाइल करते हो यू डू अंडरस्टैंड कि अगर आप प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो, तो आप दिखाओगे, आप प्रॉफिट दिखाओगे, आप अपना लॉस दिखाओगे, है ना। तो ये कंपनीज अगर इंडिया में होंगी तो ये दिखाती है कि इंडिया में बहुत लॉस कर रही है, अब लॉस हो रही है तो आप टैक्स ही नहीं भरोगे। अब कैसे, क्योंकि इनका ट्रेडिंग चलता है UK के साथ भी, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग चलता है केमन आइलैंड के साथ, क्योंकि इनका एक मैं कहूँगा सब्सिडरी वहाँ पे भी है, तो ये अपना जो प्रॉफिट है इस सब्सिडरी पे भेज देते हैं और इंडिया में ये लॉस बता देते हैं, क्योंकि ये सब्सिडरी में जीरो टैक्स है तो यहाँ पे टैक्स बचा लेते हैं, इंडिया में टैक्स नहीं भरते। ये एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया है बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का, कि कैसे अपनी सब्सिडरी कंपनीज को इस्तेमाल करके मनी की रिराउटिंग होती है, टैक्स इवेजन होते, टैक्स नहीं भरते, इसके चलते प्रॉब्लम्स होती है। और इसके लिए ये एक हाईलाइट कर रहा है OECD ने काफ़ी इसको पॉपुलराइज किया है BEPS को, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, राइट। इसके ऊपर एक सवाल भी आया था UPSC में, बेसिकली BEPS इज कनेक्टेड टू व्हाट करके, BEPS किस चीज से कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड टू टैक्स अवॉइडेंस। अभी तक नवंबर 2021 तक 135 कंट्री साथ में आ चुकी है फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू एंड टैक्स अवॉइडेंस, राइट। तो टैक्स अवॉइडेंस के प्रति भी ये लोग काफी इनपुट्स देते हैं अलग अलग देशों को, ध्यान रखिएगा इस चीज को, राइट। दिस वॉज आर डिस्कशन अबाउट OECD। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NDB के बारे में। NDB स्टैंड फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक, पहले इसका नाम था BRICS डेवलपमेंट बैंक, बट अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बन चुका है। अब जानते हैं कि NDB इज क्रिएटेड और इट वॉज एस्टैब्लिश बाई द BRICS कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। इसका उद्देश्य था कि वर्ल्ड बैंक और IMF में बहुत ज़्यादा दबदबा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। अनाउंसमेंट तो इसकी 2012 में हुई थी, 2014 में फाइनली फॉर्मलाइज हुआ इन दी 5th BRICS समिट और 6th BRICS समिट, यानी कि 2015 से इसकी ऑपरेशन भी शुरू हो चुकी है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, नाम से पता चला डेवलपमेंट के लिए लोन्स देता है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए स्पेशली इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज में ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक कंटिंजेंट रिजर्व अग्रीमेंट भी है, जब किसी देश में डेवलपिंग कंट्री में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही है उनके पास विकल्प रह जाता है कि वो IMF के पास जाए, IMF का बेल आउट ले, लेकिन IMF की बेल आउट कंडीशंस के साथ आती है, इसलिए उन कंट्रीज के लिए कंटिंजेंट रिजर्व अग्रीमेंट भी अलाउ करते हैं, राइट। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, इसको ध्यान रखना है, NDB इज हेडक्वार्टर इन शंघाई चाइना। अब जब NDB बना था तो 2015 में इसका इनिशियल ऑथराइज कैपिटल बताया गया था $100 बिलियन, जिसको डिवाइड किया गया था 1 मिलियन शेयर्स, हर शेयर की वैल्यू थी $100,000। अब इसमें से जो सब्सक्राइब कैपिटल था, इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल, 5 देशों में इक्वली डिवाइड किया गया था $50 बिलियन, यानी कि $10 बिलियन प्रत्येक कंट्री देगी, राइट। तो ये इसका इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल था। इसका मतलब क्या है, ऑथराइज कैपिटल 100 बिलियन 50 बिलियन कैपिटल आ चुका है, इसका मतलब है मेंबर कंट्रीज और भी बन सकती है। एनडीबी के अग्रीमेंट में ये लिखा गया कि हर एक मेंबर के पास एक ही वोट रहेगा, किसी के पास कोई वीटो नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि IMF में कोटा सिस्टम पे वोटिंग चलती है, वर्ल्ड बैंक में कोटा सिस्टम पे वोटिंग चलती है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक में हर एक के पास एक वोट रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब नए मेंबर्स बनेंगे, जब नए मेंबर्स अपना शेयर खरीदेंगे, वो लोग नए मेंबर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ब्रिक्स मेंबर्स की जो वोटिंग पावर है या फिर ब्रिक्स मेंबर्स का जो कैपिटल रहेगा 55% के नीचे नहीं जाएगा। धीरे धीरे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी और भी ज़्यादा देश ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आपको सवाल आ जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ ओनली ब्रिक्स एज इट्स मेंबर्स, ये गलत स्टेटमेंट होगा, दिस वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑलराइट। क्योंकि ब्रिक्स नेशन तो है ही, लेकिन ब्रिक्स के अलावा बांग्लादेश इसका मेंबर बन चुका है, इजिप्ट रिसेंटली मेंबर बन चुका है, UAE इसका मेंबर बन चुका है, यूरुग्वे भी इसका मेंबर बन चुका है, यानी कि दे हैव ऑल्सो सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे NDB का भी एक्सपेंशन हो रहा है, मेंबर्स केवल ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स के अलावा दूसरे मेंबर्स भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं बैंक में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स, I am talking about the bank, New Development Bank, clear? Right. इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Asian Development Bank के बारे में, ADB। कई बार आपने सुना होगा ADB has sponsored or ADB is giving loans to some projects in India. ADB 1966 में बना था ताकि एशियन रीजन में, एशियन रीजन स्पेशली साउथ एशियन रीजन, हम लोग कहते थे वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यहाँ पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, इसलिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्लीज रिमेंबर, जब मैं कहूंगा ADB, इसका मतलब है यहां पे दो देशों का दबदबा चलता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक USA और जापान का, ये आपको याद रखना है, क्वाइट आयरोनिकल चीज है, क्योंकि 1966 में बनाया गया था एट द बिहेस्ट ऑफ USA इटसेल्फ, USA एंड जापान, इन्होंने ये बैंक बनाया ताकि एशियन कंट्रीज को स्पेशली लोन्स मिले। लेकिन इसकी मेंबर्स अगर हम लोग बात करें, 67 मेंबर्स है इसके, जिसमें से 48 एशिया पैसिफिक में से हैं, लेकिन 19 कंट्रीज बाहर से भी हैं, बाहर से हैं, USA, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी इसके मेंबर्स बन चुके हैं। और इस पर्टिकुलर बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को मॉडल किया गया है ऑन द लाइंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसका मतलब है वर्ल्ड बैंक या फिर IMF हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस किसी देश के भी ज्यादा शेयर्स रहेंगे उनका वोटिंग का दबदबा भी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा शेयर है जापान का, और उसके पास 15% वोटिंग के पावर्स हैं, USA के पास 15.5%, चाइना और इंडिया भी यहाँ पे काफी बड़े मेंबर्स हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वोटिंग ऑफ ADB मेंबर्स इज अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, लार्जेस्ट शेयर जापान का, यानी कि जापान और USA का यहाँ पे दबदबा चलता है। ADB का हेडक्वार्टर्स है मनीला इज इन फिलीपींस। और ADB किस तरह के लोन्स देता है, देखिए, टेक्निकल लोन्स देता है, असिस्टेंस देता है, ग्रांट्स देता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करता है, यानी कि इट डज इन्वेस्ट इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो एज वेल एज इन द पब्लिक सेक्टर ऑल्सो, यानी कि सरकारों को भी लोन देते हैं, प्राइवेट कंपनीज को भी ये लोन देते हैं, स्पेशली इन द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ एशिया। इनफैक्ट रिसेंटली इन्होंने ADB स्ट्रेटजी 2030 बनाई है टू रेस्पॉन्ड टू एशियन नीड्स स्पेसिफिकली। एशिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट नंबर्स में पुअर पीपल अगर हम लोग बात करें, मेजॉरिटी स्टे इन साउथ एशिया। इसके अलावा अगर हम लोग साउथ एशिया की बात करें, इट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम रीजन इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर्स। अभी हम लोग बात कर सकते हैं बारिश और इंडिया,
इतनी बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा फ्लडिंग हो चुकी है अलग अलग सिटीज़ में इंडिया में, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम एवरी ईयर। देखिए बहुत ज़्यादा बारिश भी प्रॉब्लम है, ड्रॉट भी प्रॉब्लम है, साइक्लोन्स आते रहते हैं, बांग्लादेश में साइक्लोन की प्रॉब्लम है, सुनामी की प्रॉब्लम है, तो इन सारी जगहों को रेजिलिएंट बनाने के लिए, प्रॉस्परस बनाने के लिए दे हैव इवॉल्व्ड स्ट्रेटजी 2030। ध्यान रखना है इंडिया फाउंडर मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स में कोई प्रोजेक्ट है, कोई फंडिंग मिली है एडीबी से, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा एंड प्लीज डू नोट इट। अब मैंने आपको बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक में दबदबा किसका चलता है, दो कंट्रीज का, एक है आपका जापान, दूसरा है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां पे एशियन रीजन के लिए बनाया गया है लेकिन यूएसए का यहां पे दबदबा चलता है। इसका एक काउंटर बैंक बनाया चाइना ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्लीज रिमेंबर एडीबी का काउंटर है, हम लोग कह सकते हैं एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एक मल्टीलैटरल बैंक है और यहां पे आपको नाम से पता चल रहा है दो चीजों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इस चीज को आप जोड़ सकते हो विद द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आल्सो, क्योंकि ये चाइना लेड इनिशिएटिव है, क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा यहां पे शेयर है एआईआईबी में। बहुत सारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स एआईआईबी फंड कर चुका है, राइट। एक मल्टीलैटरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, 2016 में सेटअप किया था, उस समय पे केवल 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन आज मेंबरशिप इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट हुई है 103 देशों की। अब इसको भी मॉडल किया गया था ऑन द लाइंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एजेंसी। इनफैक्ट अगर आपको एआईआईबी का मेंबर बनना है तो आपको आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर होना है, तो आपको मेंबरशिप यहाँ पे आसानी से मिल सकती है। इसको भी मॉडल किया गया है एज अ वर्ल्ड बैंक, इनफैक्ट मैं कहूँगा एज अ काउंटर टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है चाइना का, चाइना हैज़ बिगेस्ट शेयर ऑफ 26%, फॉलोड बाई इंडिया, इंडिया हैज 7.62% शेयर, उसके बाद रशिया है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एआईआईबी में यूएसए और जापान मेंबर्स ही नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। और इंडिया तो फाउंडर मेंबर है ही, और एआईआईबी का हेडक्वार्टर इट इज इन बीजिंग चाइना। हम लोग कह सकते हैं एआईआईबी इट इज बेसिकली अ चाइनीज बैंक, राइट, इट इज बेसिकली चाइनीज बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जहां पे चाइना का बहुत ज्यादा शेयर है, इंडिया भी इसमें मेंबर है, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। तो ये थी हमारी एशियन बैंक्स के बारे में। अभी हम लोग चर्चा करने वाले कुछ यूरोपियन बैंक्स के बारे में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनफैक्ट इसी के साथ हम लोग डिस्कशन भी एंड करेंगे, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ईबीआरडी, राइट। कुछ कंफ्यूजन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ईबीआरडी एंड अदर यूरोपियन बैंक्स। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने एक सवाल बना दिया, ईबीआरडी, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इट वॉज क्रिएटेड इन 1945 इन द आफ्टरमाथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, कुछ इस तरह का मैंने स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट गलत होगा, आपको ध्यान रखना है वो था आईबीआरडी, राइट, इन जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक बना था उस समय पे, लेकिन ईबीआरडी बना था 1991 में। और 1991 में भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। अगर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ मतलब ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फॉर्मर यूगोस्लाविया के जो भी मेंबर्स थे, सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, ये सारे कंट्रीज से यूएसएसआर का जो सिक्योरिटी ब्लैंकेट था, इकोनॉमिक ब्लैंकेट था, इकोनॉमिक अम्ब्रेला के अंडर थे वो यूएसएसआर के, वो हट गया। अब इनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए मेनली मैं कहूँगा ईबीआरडी फॉर ईस्टर्न यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन एज वेल एज फॉर प्रमोशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ये बना 1991 में, स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल आप जानते हैं कि जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी थी, बर्लिन में एक वॉल बनी हुई थी, बर्लिन वॉल ब्रेक होने के बाद, अगेन बर्लिन वॉज इनसाइड ईस्ट जर्मनी, बर्लिन के अंदर भी एक वॉल बनी हुई थी, राइट, बर्लिन वॉल, तो बर्लिन वॉल जब ब्रेक हुई, इट फॉर्मलाइज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड एंड ऑफ द आयरन कर्टन। और यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली प्राइवेट और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए, ईस्टर्न यूरोप के लिए ये बैंक बनी। ईबीआरडी को ओन करते हैं 71 यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, यूरोपियन एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पे यूएसए इज ऑल्सो इन्वॉल्व, रशिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व, दो अलग इंस्टीट्यूशन है, ईयू और ईआईबी, ये भी इसमें ओनर्स है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ध्यान रखिएगा रशिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ईबीआरडी। और ईबीआरडी का मेन काम क्या है, मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करना था ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में, बिकॉज ईस्टर्न यूरोपियन रीजन वॉज क्लोजर टू यूएसएसआर, राइट, क्योंकि इकोनॉमिकली ऑल्सो दे वर क्लोजर टू यूएसएसआर, कमांड इकोनॉमीज थी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी प्रमोट करने के, यानी कि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए ईबीआरडी बना था।
ईबीआरडी का हेडक्वार्टर है इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखिएगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है ईबीआरडी को विद ईआईबी। ईआईबी इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, नाम से ही पता चल रहा है ये यूरोपियन यूनियन का इन्वेस्टमेंट बैंक है जो काफी पुराना है, 1958 में बना था अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम। उस समय पे तो इट वॉज यूरोपियन कम्युनिटी, और धीरे धीरे जब ईयू बना, नाउ इट इज ईयू इन्वेस्टमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। अब इट वॉज मेनली एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर कि लेंडिंग मिले, प्रोजेक्ट्स के लिए लेंडिंग मिले इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ ईयू। यूरोपियन यूनियन में जो अंडर डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड रीजन है, जहाँ पे इंटरनल मार्केट को डेवलप करने की ज़रूरत है, उन जगहों पे यहाँ पे लोन देते हैं। और अभी फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें ईयू इन्वेस्टमेंट बैंक, स्पेशली इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे बड़ा इन्वेस्टर है एज अ ग्रीन फाइनेंस इन्वेस्टर। बहुत ज़्यादा ग्रीन फंडिंग इन्होंने दी है इन यूरोपियन कंट्रीज। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नॉट जस्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर, बट दे ऑल्सो लेंड टू दी पब्लिक सेक्टर। दीज डेज दे आर एक्चुअली फंडिंग द ग्रीन प्रोजेक्ट्स अलॉट। इनफैक्ट ये ऐसा पहला बैंक था, मैं कहूँगा जहाँ तक मुझे याद है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स ऑल्सो, राइट। और इनका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कर्चबर्ग इन लग्जमबर्ग, कर्चबर्ग लग्जमबर्ग में इनका हेडक्वार्टर। अब इसको भी आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या है, सिंपलेस्ट टर्म्स में, एकदम प्लेन सिंपल एबीसीडी लैंग्वेज में, जैसे हमारी आरबीआई है वैसे यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोपियन यूनियन। जिन जिन कंट्रीज ने यूरो, राइट, यूरो करेंसी, आप जानते हैं कि यूरो इज अ करेंसी, यूरो करेंसी 19 कंट्रीज में ये एक्सेप्टेबल है यूरोप के, और 19 कंट्रीज जो यूरोप यूरो को एक्सेप्ट करते हैं, यूरो एज अ करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं यूरोजोन कंट्रीज, यानी कि यूरो इज एक्सेप्टेड हियर। अब ये यूरोपियन यूनियन की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और यूरो को स्टेबल रखने के लिए काम करता है, जैसे आरबीआई काम करता है कि भाई अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई विल स्वूप इन, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आरबीआई विल स्वूप इन। अगर ऐसा हो रहा है, आपने देखा कि रुपी का जो अभी वैल्यू है इन कंपैरिजन टू डॉलर 80 ब्रीच हो चुका है, अब इससे क्या हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर कोई परिणाम हो रहा है, अगर हो रहा है तो आरबीआई विल इमीडिएटली स्वूप इन। तो वैसे ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक का काम है कि अगर यूरो की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई खतरा आया है, यूरो की परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर अगर कुछ कमजोरी हो रही है, देन दे स्वूप इन एंड एंश्योर दैट यूरो इज स्टेबल। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। इनफैक्ट January 1, 1999 इसी दिन से यूरो की शुरुआत हुई है, 19 कंट्रीज में यूरो इज एक्सेप्टेड टुडे, और तब से लेकर यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ दीज रीजन्स, इसीलिए ईसीबी आया। तो आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं, इसके अलावा भी यूरोप के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे। विल टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन सेपरेटली बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस वॉज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन सेंट्रल बैंक, राइट। तो ये है, ये था हमारा डिस्कशन आज का ऑफ द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। अगर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट बॉडी मिस हुई है तो आई विल इंक्लूड दैट एट द एंड इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिसलेनियस। देखिए ऑल दो क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमें देखना पड़ेगा कि जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, नहीं तो बहुत सारी बॉडीज है यार, अलग अलग देशों में अलग अलग बॉडीज है, तो हम लोग वी आर नॉट एंटरिंग इन टू दैट डोमेन, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो इन द नेक्स्ट क्लास वील मीट अगेन विथ अनदर न्यू मॉडल वेर विल डिस्कस अनदर जॉनरा ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राइट। टिल दैट टाइम स्टे सेफ एंड स्टिक टू योर शेड्यूल। आप जानते हैं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222 पे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, विच इज अगेन विद द सेम ID। ऑलरेडी 12,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द अपडेट्स ऑफ माई वीडियो एंड फॉर दिस PDF। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।